पार्ट 42 में हम देख चुके हैं तीजोंग और दानदन के बीच गर्ल्स वर्सेस बॉयज चल रहा था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 43 से पहले पार्ट 42 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 43 में हम देखते हैं मिस्टर ली सीजोंग को गोद में उठा लेता है, तो वो सब बास्केटबॉल बास्केट में डाल रहे थे, बट गर्ल्स की टीम जीत जाती है। फिर वो सब साइकिल चलाते हैं। मिस्टर ली ने सीजोंग को अपनी साइकिल पे बिठा रखा था और कहता है चलो सब फोटोज खिंचवाए, तो वो सब आ जाते हैं और मिस्टर ली उनके फोटोज खींचता है। दानन कहती है सीजोंग कितना क्यूट लग रहा है, और सीचन भी। रियोन कहती है भाई मैं देवम से शादी करना चाहती हूँ। तीनों बच्चे हैरान। मिस वेंग कहती है रियोन तो पगला गई है क्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई फ्रॉड को हमारे घर लाने की। तो रियोन देवम का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर ली कहता है मिस वेंग बच्चे देख रहे हैं, हमें अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहिए, बच्चों तुम छत पे जाओ। सीजोंग कहता है अंकल हम बाद में गेम खेलेंगे। सीजन भी खुश हो रहा था, तो जेनी उन दोनों को ले जाती है। मिस्टर ली पूछता है रियोन क्या तुम श्योर हो। वो कहती है हाँ जब तुम 22 साल के थे तो तुमने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी थी और कहा था कि लव ज्यादा मैटर करता है। मिस्टर ली हैरान क्या मैंने सच में ऐसा कहा था। देवम कहता है भले मुझ में बहुत कमी है पर मैं रियोन को दिल से लव करता हूँ। तो मिस्टर ली उनकी शादी के लिए हाँ कर देता है। मिस वैंग हैरान थी और कहती है पर मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगी। देवम उनके आगे सिर झुकाता है और रियोन को ले जाता है। मॉम मिस्टर पार्क को बताती है कि देवम रियोन से शादी करना चाहता है, आज वो हमसे मिलने आ रही है। मिस्टर पार्क कहते हैं नहीं, याद है ना मिस वैंग ने हमारा कैसे मजाक उड़ाया था, वैसे भी रियोन मिस्टर ली की छोटी बहन है तो हम रिश्तेदार नहीं बन सकते। मॉम कहती है देवम को मिस वैंग के साथ थोड़ी ना रहना है, रियोन के साथ रहना है, प्लीज हाँ कर दो ना। मिस्टर पार्क मना कर रहे थे तो कहती है जब मैंने हाँ कर दी तो तुम क्यों मना कर रहे हो, वो मेरा बेटा है, तुम भी तो मुझे दानदान के बारे में कुछ नहीं बताते। तो सब मॉम को चुप करा देते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं तुम्हारी मर्जी। रियोन आ रहे थे बट वो चले जाते हैं। रियोन कहती है तुमने मेरी मॉम को सहा था, मैं तुम्हारे डैड को सह लूंगी। मॉम पूछती है क्या तुम्हें खाना टेस्टी लगा। रियोन कहती है हाँ बहुत अच्छा था। मॉम पूछती है तुम शादी के बाद कहाँ रहोगी, हम तो तुम्हें नया घर नहीं दिला सकते। वो कहती है मैं और देवम सोचेंगे, फिलहाल तो 6 महीने मैं आपके साथ ही रुकने वाली हूँ। रात में सोते हुए मिस्टर ली को सारा के साथ क्लोज मोमेंट्स के फ्लैशबैक्स आते हैं, तो कहता है ये कैसा सपना था। इधर सारा खाना खाने लगी थी बट उसे फिर से उल्टी आ जाती है, तो वो मिस्टर टेडी बियर को मिलने का मैसेज करने लगी थी बट फिर रुक जाती है। तभी लॉयर सारा को बात करने बुलाता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पर सारा एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर देती है कि मैं मिस्टर ली की याददाश्त वापस आने तक का वेट करूंगी, मैं अभी मिस्टर ली की फियांसे हूँ। लॉयर मिस्टर ली को बताता है कि सारा तो मानने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे नहीं लगता वो तेरे पैसों के पीछे है। मिस वैंग कहती है वो रियोन मेरी बेटी नहीं है, वो उन फ्रॉड्स के साथ कैसे रह सकती है, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी। बट तभी उसे याद आता है कि रियोन ने बताया था दानदन और मिस्टर ली की शादी होने वाली है, तो कहती है मुझे दानदन को अपनी तरफ करना होगा, और फिर दानदन के रूम में कॉफी लेके आती है। दानदन उसे डर रही थी तो कहती है पी लो इसमें कौन सा जहर है, ये बहुत महंगी कॉफी है, मैं किसी को भी नहीं देती, पर तुम कितने क्यूट हो ना इसलिए तुम्हें दे रही हूँ, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा सॉरी। तो तुम पास्ट को भूल जाओ, अब से हम बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, मैं तो तुम दोनों की डेटिंग से बहुत खुश हूँ, बस बच्चों और मिस्टर ली के साथ अच्छा बिहेव करना, स्पेशली मेरे साथ। दानदन खुश होती है और सारी कॉफी गटक जाती है। मिस्टर ली को फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो सारा के साथ एंगेजमेंट करने के लिए कह रहा था, तो गुस्से से कार चलाता है और दानदन को आकर हक कर लेता है। वो पूछती है क्या हुआ, तो कहता है मैं 22 साल का था तो तुम्हें लाइक करता था ना, हाँ तुमने खुद कहा था कि अगर मैंने हाँ कर दी तो तुम एंगेजमेंट नहीं करोगे, तुम सच में मुझे बहुत लव करते थे। वो कहता है थैंक यू मुझे बताने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज मुझ पे भरोसा रखना। वो कहती है हाँ मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, और फिर दोनों किस करने लगे थे। सारा कहती है मिस्टर ली मैं आ रही हूँ वापस तुम्हारी लाइफ में, तो सीजोंग और इस बेबी को तुम्हारे घर में पालूंगी। और फिर घर के अंदर घुस आती है, मैनेजर रोकती है तो कहती है तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। मिस्टर ली आकर कहता है
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मुझे तुमसे मॉडर्न बात करनी है, और एक फोटो पकड़ाती है। वो कहता है, ये क्या है? तो कहती है, हमारा बेबी, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर ली हैरान और कहता है, तुम ये क्या बकरी हो? सारा कहती है, अब हमारा बेबी है तो मैं इस घर में वापस आना चाहती हूँ, हमारा बेबी 3 मंथ का हो गया। जेनी कहती है, डैड ये क्या बोल रही है? मिस्टर ली कहता है, जेनी सीचन तुम अपने रूम में जाओ। तो वो दोनों गुस्से से भाग जाते हैं। वो कहता है, सारा मेरे ऑफिस में आओ। मिस वैंग तो एकदम हैरान थी। मिस्टर ली कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये मेरा ही बच्चा है? वो कहती है, क्यों, क्या तुम बेबी को नहीं मानते? क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने मुझे तो छोड़ दिया, क्या अब हमारे बेबी को भी छोड़ दोगे? वो कहता है, मैं समझ गया। वो कहती है, अब मैं यही रह के अपने बेबी को डिलीवर करूंगी। मिस वैंग कहती है, अगर तू 3 महीने से प्रेग्नेंट थी तब तक बताया क्यों नहीं? वो कहती है, मुझे कल ही पता चला, मैं अपना सामान लेके यहाँ आने वाली हूँ। मिस वैंग कहती है, क्या फिर तो इस घर में 4 बच्चे हो जाएंगे। सीजंग और दानदान नाचते हुए घर आ रहे थे, पर सारा को अंदर से आते देख चुप। सारा कहती है, सीजंग तुम कहाँ से आ रहे हो? सीजंग कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। वो कहती है, तो बहुत मजा आया होगा, अब कल से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसे हैंडशेक करती है। दानदान कहती है, क्या तुम्हें जॉब वापस मिल गई? वो कहती है, तुम मिस्टर ली से जाके पूछो, वो तुम्हें गुड न्यूज देगा। और सीजंग को हक करके चली जाती है। दानदान कंफ्यूज थी। मिस्टर ली गुस्से से आकर चिल्लाता है और सारा को फोन कर हॉस्पिटल बुलाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताती हैं कि ये सच में प्रेग्नेंट है, आप दोनों को अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखना है। सारा कहती है, अब तुम कंफर्म हो गए ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कल से तुम्हारे घर आ जाऊंगी। वो कहता है, तुम अपने घर रहो, वरना जेनी सीचन और सीजंग कंफ्यूज होंगे कि तुम घर में क्यों आ रही हो। जब तुम्हें हॉस्पिटल जाना हो तो मुझे बुला लिया करना। दानदान मिस्टर ली को फोन करने लगी थी, तभी मिस वैंग आकर कहती है, दानदान तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए, सारा मिस्टर ली की बेबी से प्रेग्नेंट है। दानदान एकदम हैरान थी। वो कहती है, जब वो 22 साल का था तो सारा के साथ वेकेशन होम गया था और आइलैंड भी गया था, जरूर तभी वो प्रेग्नेंट हुई होगी। दानदान कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है, मुझे भी नहीं यकीन आ रहा था, पर यही सच है, कल वो इस घर में रहने आने वाली है तो तुम्हारी यहाँ से जाने में भलाई है। दानदान कहती है, मिस्टर ली ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मिस्टर ली को मैसेज कर बात करने बुलाती है, तो पूछती है, क्या सारा सच में तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है? वो कहता है, हाँ डॉक्टर ने बताया वो प्रेग्नेंट है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। दानदान कहती है, सारा कल आने वाली है तो मेरे रहने से तुम सब अनकंफर्टेबल होगे, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। वो कुछ बोलने वाला था तो कहती है, मत बोलो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, तो मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं जा रही हूँ, बच्चों को बता देना। वो कहता है, रुको हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। वो कहती है, क्या सोचूं, कुछ सुनने के लिए बचा ही नहीं है, मुझे तुम्हारी सॉरी भी नहीं चाहिए, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है, दर्द की वजह से मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, तो तुम मेरे घर से जाने के बाद ही घर जाना। और भाग जाती है। फिर वो रोते हुए पैकिंग कर रही थी। जेनी कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, सॉरी जेनी, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। वो कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, जब देखो अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर से जाने लगती हो, अभी तो आई थी तो जा क्यों रही हो? सीचन कहता है, जेनी जब तुझे पता नहीं हो तो चुप ही रहा कर। मिस दानदान सॉरी, मैं जेनी की तरफ से माफी मांगता हूँ। और रोने लगा था। दानदान उसे हककर कहती है, सीजन रो मत। जेनी कहती है, सीजन तू सच में कुछ छुपा रहा है ना, बता क्या बात है? सीजन कहता है, डैडी और मिस दानदान एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर मिस सारा डैडी के बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसलिए मिस दानदान जा रही है, तो प्लीज मिस दानदान पे चिल्लाना बंद करो। जेनी हैरान थी, बट दानदान रोते हुए भाग जाती है। सारा अपनी मॉम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो पूछती है, किसका बच्चा है ये? तो कहती है, मिस्टर ली का। तो मॉम बड़ा खुश होती है कि सारा मिस्टर ली के घर में रहने वाली है। दानदान बैग लेके अपने घर नहीं जाती। जेनी कहती है, डैड जब आपको कुछ याद ही नहीं है तो आप सारा के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो? वो कहता है, जैसे तुम तीनों बच्चों के लिए मेरा प्यार जरूरी है, वैसे उस बेबी का भी मुझे ख्याल रखना होगा। सीजन कहता है, सच कहूँ तो मुझे ऐसा भाई या बहन नहीं चाहिए जो हमें मिस दानदान से दूर करे। सीजन कहता है, मैं भी मिस दानदान के बिना नहीं रह सकता। मिस्टर ली कहता है, मैंने दानदान से ब्रेकअप कर लिया, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें दानदान को गुड बाय करना पड़ा। जेनी कहती है, डैडी क्या आप मिस दानदान को सच में लाइक करते हो?
वो मुंडी हिलाता है तो वो गुस्से से चली जाती है। सीजोंग कहता है, मिस तांदन, आई मिस यू। सीचन कहता है, सीजोंग मैंने तुझे समझाया था ना, तो तू रो क्यों रहा है? क्या तू क्राई बेबी है? पर फिर खुद भी रोने लगा था। मिस्टर ली सीजोंग को गोद में उठाकर छुपाता है और सॉरी बोल रहा था। सारा अपना सामान लेके आ जाती है। मेरा रूम रेडी है ना, मैनेजर कहती है, पर मिस्टर ली ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया। मिस्टर ली कहता है, मैंने तुम्हें घर में आने से मना किया था ना। पर सारा बेहोश होने का नाटक करने लगती है। मिस वेंग कहती है, अरे इसे कम से कम गेस्ट रूम में रहने दे। तो वो ओके बोलकर चला जाता है। मिस वेंग सारा से मीठी मीठी बातें कर रही थी पर फिर पूछती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और मिस्टर ली के बीच कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वो कहती है, मैंने शर्म के मारे बताया नहीं था। रियोन आकर कहती है, आपको देवम की फैमिली से मिलना है। वो कहती है, मैंने कहा था ना मैं वहां नहीं जाऊंगी, तू अब से मेरी बेटी नहीं है। सारा आती है तो वो कहती है, तुम फिर फ्लावर डिलीवर करने आ गई, मैंने मना किया था ना। सारा कहती है, नहीं मैं घर में रहने आई हूँ। मिस वेंग कहती है, हाँ ये तुम्हारे भाई के बच्चे से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। रियोन हैरान और कहती है, क्या आपको सच में लगता है वो मिस्टर ली का बच्चा है? मिस्टर ली को तो कुछ भी याद भी नहीं है। मिस वेंग कहती है, तो तेरा मतलब वो किसी और का बच्चा है? वो ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी सारा किसी को भी डेट नहीं कर रही थी। रियोन कहती है, क्यों ना हम बेबी का डीएनए टेस्ट कराएं? वो कहती है, पगला गई है क्या? जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसका डीएनए टेस्ट करना इलीगल है। वो कहती है, तो मिस्टर ली और दानन का क्या होगा? मिस वेंग बताती है कि उनका ब्रेकअप हो गया और दानन तो कल ही घर से चली गई थी। रियोन कहती है, पर देवम की फैमिली को तो इस बारे में पता ही नहीं है, और भागती है। देवम के बार बार कहने पे मिस्टर पार्क उसे रियोन से शादी करने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि रियोन सच में बहुत अच्छी लड़की है। इधर रियोन को मॉम से पता चलता है कि दानन तो घर पे आई ही नहीं, तो बताती है सारा मिस्टर ली के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो दानन उनके घर से चली गई। तो फिर मिस्टर पार्क गुस्से से मिस्टर ली के घर आते हैं और उसे मारने लगे थे, पर देवम रोक लेता है। मिस्टर ली सॉरी बोलता है। वो कहते हैं, मुझे तो पहले ही पता था धोखेबाज है, तो तूने उसका ध्यान रखने का प्रॉमिस क्यों किया था? बता मेरी बेटी कहाँ है? पर मॉम और देवम उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर ली रियोन को फोन कर पूछता है, क्या नंदन घर पे वापस चली गई? वो कहती है, नहीं सब उसे ढूंढ रहे हैं, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और इसी के साथ पार्ट 43 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।